जरा सब बात उससे बात करो बच्चे से। आप बाबू बोलो बोलो बाबू बोलो। हाँ आप माँ को बचाइए, मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है। जी जी सब लोग आके पैसे दे रहे हैं और बाबू की मदद कर रहे हैं। ऐसे बाबू को इंजेक्शन लग जाएगा और बाबू ठीक भी हो जाएगा। अच्छा। पैर भी चलाने लगेगा, हाथ भी और बैठ भी पाएगा और मैं बाबू के साथ खेल भी सकती हूँ और बाबू को राखी के दिन में राखी भी बांध सकती हूँ। तो बचा नहीं सके, आयांश को बचा लीजिए। सही बात बोला आपने, ठीक है आप उनको आप दे दीजिए। ये अमाउंट भी हालत में से लकड़ पुराना है, हम लोग का युवा बहुत तैयार है, दिल से तैयार है। जी बहुत बहुत। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे साथ एक आए हुए हैं छपरा से भैया आए हुए हैं जो चंदा इकट्ठा करके लाए हैं और इन्होंने हमें बताया दिखाया अपने फ़ोटो में कि एक बैनर बनवा करके इन्होंने गाँव में घूम घूम के चंदा किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गांधी जी है, मैं छपरा के गरखा विधानसभा मोहम्मदपुर पंचायत का हूँ। मैंने बैनर बनवा के सोचा था कि पूरे गरखा विधानसभा में चंदा इकट्ठा करूँगा। 10 लड़कों का टीम भी जुगाड़ किया था, लेकिन एक दिन हम 3 घंटा निकले जिसमें हमको कुछ पैसे मिले। उसके बाद से गांव के कुछ गधा, हम तो कहूँगा कि गधा लोग हैं जो मेरे टीम को फोड़, जो कोई कमेंट करके मतलब लोगों को भड़का रहे हैं ना। हाँ वो कह रहे हैं कि आप एक लड़के के लिए 16 करोड़ जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ 5-10 हज़ार के लिए मर रहा है। तो हम कहते हैं कि जो आदमी अगर हम पटना के लड़का के लिए चंदा मांग सकते हैं तो पास आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं बात को, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आदमी पटना के लड़का के लिए पैसा मांग सकता है, चंदा मांग सकता है, वो पास पड़ोस के लिए नहीं मांग सकता है। आप हमको बताइए कि हाँ आपके पास में ये मर रहा है, वो मर रहा है, आप मेरे साथ चलिए, हम ना जाऊँ उसके लिए चंदा मांगने, तब ना हम दोषी होंगे। सही बात है। तो लोग जा नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, तो 16 करोड़ तो इनको देना पड़ रहा है, हम लोग को क्या जा रहा है, 50, 100, 200, 500 हज़ार ये। तो हम लोग को 500 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 10-20 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप क्या करते हैं भैया? हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। और मतलब किसान हैं जी, और सहारा LIC का काम करते हैं। और इस बार हम चुनाव में मुखिया प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम बैनर जो बनो, आपने कितना चंदा इकट्ठा किया अभी तक? अप्रोक्स 5 हज़ार लगभग हमने किए थे 3 दिन में, सिर्फ एक ही दिन सुबह टाइम घूमे थे हम लोग। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को और हमारे बिहार को और हमारे आयांश जी को बचाने के लिए, ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ ये चीज़ कि ऐसे ऐसे कर करके लोग आप लोग इस आयांश की ज़िंदगी को बचा सकते हैं आप। और ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, और इस मुहिम में जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि। हाँ बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ ही हमारी टीम में आए थे, अगर वो फिर से हमारे साथ आते हैं चंदा मांगने के लिए तो मैं फिर से तैयार हूँ। मैं अपना चुनाव डिस्टर्ब कर दूंगा, लेकिन चंदा मांगने के लिए मैं फिर से निकल जाऊंगा अगर वो लोग मेरे साथ आते हैं तो। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मुखिया प्रत्याशी अभी फ़िलहाल में चुनाव होने वाला है जो है, और बता दूँ कि मुखिया जी रहते तब तो बात ही कुछ और है, लेकिन ये चुनाव में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। मैं इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि इनका साथ दीजिए और आप लोग इन बच्चे के बचाने मुहिम में लग जाइए। चुनाव बाद में होगा, बस पहले बच्चे को बचाना है, ठीक है। और विशेष क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जी सरकार से क्या कहें, सरकार तो अंधी हो चुकी है। सरकार जितना नेता लोग हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी वो लोग डोनेट कर देते तो 16 करोड़ कुछ नहीं था। और हम मतलब बिहार के तो नेता और अभिनेता दोनों से कुछ नहीं हो रहा है। अब हम बॉलीवुड के अभिनेता से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इसमें आइए, आप लोग का एक फिल्म का जो आप लोग चार्ज लेते हैं उतना भी नहीं है ये 16 करोड़ रुपया। आप लोग आइए, सुशांत को तो बचा नहीं सके, आयांश को बचा लीजिए। सही बात बोला आपने, ठीक है आप उनको आप दे दीजिए। ये अमाउंट आपका कितना आपने जमा किया? ये 4,000 है जी। और आगे उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप जी, अगर मेरा साथी लोग साथ देते हैं तो आगे भी उम्मीद रहेगा। अच्छा, मतलब आप मुहिम चलाइएगा, उम्मीद क्या पूरा भरोसा रहेगा लोगों का कि आपसे उम्मीद रखे हैं लोग, आपकी जनता, आपके लोग जो जितने पंचायत के लोग होंगे, इसे आयांश को बचाने के लिए जीवन मांगे आयांश एक मुहिम है। इस मुहिम में पूरे बिहार वासियों देशवासियों को जुड़ जाना है। तो जीवन मांगे आयांश मुहिम में आप देख सकते हैं यहाँ
सभी लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पे इस तरह से लोग दिन भर आते रहते हैं और कुछ न कुछ यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं भैया? भागलपुर से। भागलपुर से क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं आप यहाँ पे? नहीं, मतलब सब देखने के लिए आते थे, बोले चलो तब देख लेते हैं उन सबों को। अच्छा, आप कितने लोग आए हैं? हम तीनों हैं। आप तीनों भागलपुर से ही है ना? कुछ आप लोगों ने जीवन मांगे आयांश में मुहिम चल रही है, क्या आप उसमें कुछ करना चाहेंगे? जी, हम तो बहुत मतलब सोच रहे थे कब से मिलना है, तो आज हम और ये तीनों मतलब प्लानिंग करके आए कि आयांश आज मिलना है जी। और फिर आए और आयांश को किसी भी हाल में बचाना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुहिम चलाना है। आप लोग भागलपुर में रहते हैं? जी जी, भागलपुर में रहते हैं जी। आप जी, मेरा नाम चंदन है और मैं भागलपुर से आया हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों साथ में आए हैं। तो आयांश को इनके बारे में मतलब बहुत तरह सुनने भी फ़ोन पे भी किए, उसमें ऑनलाइन पेमेंट भी किए हैं और मतलब हम सोच रहे हैं कि मिलने और थोड़ा कुछ मेरी तरफ से भी कुछ दान दे दे, डोनेट कर दे, जिससे कि बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आयांश को बचा सके और वो अमाउंट, वो जो राशि है 16 करोड़ की, वो पूरी हो सके। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सरकार, नीतीश सरकार के बारे में। श्री जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार सरकार के हैं, वो उन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे बस की नहीं है ये। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा सरकार को जिताने से क्या फ़ायदा है जो इस परिस्थिति में देखना ना चाहता है। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई मेरे यहाँ प्रावधान नहीं है, मेरे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है, तो कानून तो बनता है अभी। जी, कानून तो बनता है, ऐसा कहेंगे कि वो तो बिल्कुल मतलब ऐसा करना ही। आपने सुना होगा उनका वीडियो, देखा आपने वीडियो कि किस तरह का बयान दिए हैं? सो बिल्कुल शर्मनाक बयान है वो, और मैं यही कहना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसको इस तरह के नहीं करना चाहिए कि मतलब कि हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कानून नहीं है, उसको हेल्प करना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि डोनेट करने के लिए आए हैं और आगे लोगों को जागृत करेंगे आप लोग कि 16 करोड़ इनका पूरा हो जाए, जितना जल्दी पूरा हो जाए तो बच्चे का जीवन बच सके। जी, कोई भी हालत में 16 करोड़ पुराना है, हम लोग का युवा बहुत तैयार है, दिल से तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए इस बच्चों को कैसे खिलाया, जरा सब बात से बात करो बच्चे से। आप बाबू बोलो बोलो बाबू बोलो। देखिए बच्चा वो चाह कर भी नहीं बोल पाता है ये, और उनकी मम्मी से हम पूछते हैं, अच्छा ये खाना में क्या खाते हैं मैडम? खाना में सर सेरेलैक थोड़ा लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता है, फिर एप्पल का पे प्योरी, बनाना प्योरी, यही सब मतलब जो भी देना पड़ता है थोड़ा पेस्ट करके ही। हाँ, ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे इसको सड़कने लगता है। ऐसे सड़कने लगता है, मतलब जो भी देना है बिल्कुल लिक्विड बना करके देना होता जी, है। जी सर, तो बस केवल वही खाना इस पर चलता है। जी, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि लोगों को आप एक बार फिर से हाथ जोड़ करके विनती करके आप बोलिए कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि जिस तरह से अब तक आप लोगों ने सहयोग बनाए रखा है, वैसे ही आगे भी बनाए, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है वो बहुत बड़ा है और अब तक हम सिर्फ 6.5 करोड़ पे ही पहुँच पाए हैं। तो सर अगर पैसा नहीं अगर आ पाएगा तो फिर सर हमारे बच्चे की जान चली जाएगी। तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आयांश को बचाएँ और हमारी मदद करें।